अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये कोई रिव्यू नहीं है, सिर्फ एक अफ़गानी शलवार के बारे में आपको सिंपल तरीके से मैं बताऊँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ और इसे मैं प्लाज़ो के, जैसे मैं प्लाज़ो बनाती हूँ चौड़ा, जिसको चौड़ा पसंद है, इस टाइप से करके नीचे मैं चुन डाल लेती हूँ, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए ये 2 मीटर कपड़ा है, ये देख रहे हैं आप नीचे जो रखा हुआ है, तो ये 4 लेयर है। मैंने इसको 2 मीटर कपड़े को डबल करके फिर चौड़ाई से भी फोल्ड कर दिया, आप देखिए पहले, क्योंकि इसमें मैं आपको कटिंग तो बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। आपके जो भी प्लाज़ो काफ़ी चौड़ा हो और बहुत ही कंफर्ट, क्योंकि क्या होता है हम लोगों में नमाज पढ़ते हैं, तो फिर ऑफर ये वाला जो आगे रेनिंग सीजन आएगा इसमें क्या होता है कि पढ़ते में यहाँ थाइस एरिया पे से ना बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, तो उससे सारे प्लाजो यहीं से जाते हैं। तो मैं अब मोस्टली क्या करती हूँ, जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं इस टाइप से कि जितना भी अर्ज होता है उसको डबल करने के बाद मैं, अगर उसमें अर्ज कम है तो मैं उसमें हल्की सी यहाँ पर आप देख सकते हैं मियानी लगा देती हूँ, ठीक है, नहीं अगर अर्ज़ ज़्यादा है तो मैं उसमें नहीं लगाती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये पूरा लेंथ का ये रखा हुआ है, 2 मीटर कपड़ा ही थोड़ा सा मेरा कम पड़ेगा यहाँ से, तो ये फोल्ड हो जाएगा, बट यहाँ से आसन पे से मुझे ऊपर की तरफ जो ये इलास्टिक होती है ना, तो वो मुझे अलग से कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा। खैर कुछ नहीं, आज हम इसके बारे में बताएंगे कटिंग कि हम कैसे करें। तो सबसे पहले आपने उस कपड़े को बिछा दिया, डबल करने के बाद उसकी चौड़ाई में से भी आपने उसको और फोल्ड कर दिया, तो ये 4 लेयर में हो गया। अब उसके ऊपर हमें अपना प्लाजो रख लेना है और सिंपली तरीके से हम इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हुए यहाँ से इसको हमें कटिंग करनी है, ठीक है। अब ये कटिंग हो जाएगी तो मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसका जो लुक आएगा। मैं अपनी शलवार आपको दिखाती हूँ, ये वाला आएगा जी, सिंपल ऐसे ही मैंने इसको बनाया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने इस वाले में यहाँ सिलाई की है, और सिंपल चाहें तो सिंपल भी, और फिर यहाँ पे ये जो नॉर्मल आप चुन भी डाल सकते हैं, नहीं तो वो सिलाई से जो धागा खींच के बनाई जाती है ये मैंने वो की है। और इसका लुक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अफगानी भी अच्छी नहीं लगती, मतलब एज के अकॉर्डिंग बच्चों पर तो फिर भी चल जाती है लेकिन बड़ों पर इतना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए मैं आपको अभी इसकी कटिंग बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पे ऐसे कट किया है, 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको कट करेंगे। देखिए अभी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से ये ऐसा हो गया। अरे 1 मिनट, 1 लेयर तो उसकी रह गई है, अभी करते हैं। अच्छा, इसका हम ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें हम ऊपर से जो कपड़ा डलेगा हम वो निकाल लेंगे। ये सिंपली हमारा यहाँ से हो गया, इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। और ये तो अब इसमें मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि ऊपर बहुत ज़्यादा चौड़ा ना रहे, तो इसके करने के लिए देखिए आप हल्का सा मैं इसको शेप दे देती हूँ आड़ा, ये हमारा ऊपर का हो गया, क्योंकि इसमें क्या है हम जब इलास्टिक डालेंगे तो इसमें ऊपर से ऐसा नहीं लगेगा बहुत मोटा सा, और फिटिंग भी बहुत सही आती है, थाइस पे से भी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि लटका सा या झोला सा, तो ऊपर से भी आपका बहुत सही रहता है और नीचे से तो खैर प्लस ये है ही सारा लूज। तो देखिए यहाँ से ये आप अपने देख लीजिए जितना आपका बेल्ट का रहता है, थोड़ा बेल्ट जो हम शलवार में बेल्ट डालते हैं उससे तो चाहें आप थोड़ा सा ज़्यादा रख लीजिए, वरना वो भी चलेगा इलास्टिक के हिसाब से कि आपको कितना आपकी कमर है। तो खैर अब मैं इसको निकाल देती हूँ और अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ फाइनली जो मेरा लुक हो गया। देखिए मैंने इसको अलग यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है, अब ये जो लुक हो गया आप देख सकते हैं पूरा, ये यहाँ से सिलाई है, यहाँ से सिलाइयाँ हो जाएंगी और उसके बाद यहाँ से, अच्छा थोड़ा सा क्या होता है जब इसे पहनते हैं ना तो थोड़ा सा यहाँ से 1/2 इंच आप यहाँ से भी निकाल लीजिए, इससे क्या होता है कि शलवार नीचे को साइड से जो सिलाई की तरफ से यहाँ से ना लटकती नहीं है, तो सबसे अच्छा रहता है कि 1 इंच का आप यहाँ से निकालिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट,
तो देखिए देखिए, बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैंने इसमें से आधा इंच यहाँ से मैंने कट किया है इसको। तो फाइन, बस हमारा ये पूरी कटिंग तैयार हो गई। बस फिर आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल ऊपर से जोड़ के और यहाँ पर आपको डाल के, और यहाँ से आपको एक सिलाई लेनी है और उसमें चुन लगानी है। तो ये आपकी अफगानी शलवार तैयार हो गई, और बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनती है। जो कि मैंने आपको पूरी कटिंग तो नहीं दिखाई है, बट मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से। जो लोग जानते हैं वो तो फौरन समझ जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं पता तो वो अपने टेलर से बता दें कि हमें नॉर्मल जो चौड़ा वाला प्लाजो होता है वो करके, और नीचे से हमें सिलाई लगा के चुन लगा के आपको अफगानी, क्योंकि प्रॉपर जो बुकरम और बुकरम वगैरह इसमें नहीं लगती है, इसमें बस एक पाइपिंग लगा देते हैं। आप चाहें तो चुन भी डलवा सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो यहाँ तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में भी याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।